लोग अपने आप अपने अंदर हिम्मत रखिए, मैं हूँ साथ में। चंद्रा का बेटा क्या सही सांसद आया कि नहीं आया, इससे मतलब नहीं है। पवन सिंह बेटा है और बेटा घर आया। देखिए, अभी हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र के रुपहथा गांव में हैं और कल ही खबर आई थी कि आग लगने के कारण महादलित परिवार के 5 लोगों की व्यक्तियों की मौत हो गई है। और वो घर आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आता है जो महादलित परिवार का घर है और आग लगने के कारण 5 व्यक्तियों की एक ही परिवार की मौत हो गई है। लगातार काराकाट क्षेत्र का भ्रमण पवन सिंह कर रहे हैं और यहाँ भी पवन सिंह पहुंचे थे और पहुंचने के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं इस परिवार के लिए, आप सबसे पहले उसे सुनिए। पवन सिंह ही आया है। मैं इतना ही बोलूंगा, दूरी रहोगे हिम्मत से काम लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। 4 से 5 लोगों का भी इतना बोला कि आप लोग अपने आप अपने अंदर हिम्मत रखिए, मैं हूँ साथ में। क्या सहयोग करेंगे पावर स्टार पवन सिंह, क्योंकि घर का बेटा बोल रहे आप आए हैं। कोई सांसद विधायक नहीं है अभी, इसके ऊपर क्या कहिए। दीपक भैया क्या कहिएगा, यहाँ पे कोई अभी तक सांसद नहीं आया है। पवन सिंह से सवाल किया, पवन सिंह सांसद नहीं आया है ना, लेकिन पवन सिंह इस क्षेत्र का बेटा है। बेटा अपने घर में आया, बेटा तो आएगा ही ना जब दुख होगा। पवन सिंह के माँ ने उनको बोल भेज कर ही भेजा कि काराकाट के किसी भी सुख दुख में शामिल हो और किसी भी तरह का समस्या है वहाँ पवन जी एक बेटा बन के काम करे। सांसद आया कि नहीं आया, इससे मतलब नहीं है। पवन सिंह बेटा है और बेटा घर आया। पवन सिंह लेकिन कितना मदद करेगी, पवन सिंह जी जान से खड़े हैं हर परिवार। आप लोगों ने सुना कि पवन सिंह ने क्या कुछ कहा। आप लोगों को पता है कि लोकसभा चुनाव अभी अंतिम चरण पर है और लगातार प्रत्याशी जो है अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। उसी के दौरान काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पवन सिंह सांसदीय चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही उन्हें खबर मिली कि महादलित परिवार के 5 व्यक्ति की आग लगने के कारण मौत हो गई है, वो पहुंचे और व्यक्ति से मिले और शायद कुछ बात भी किए और यहाँ पर एक घायल बताया जा रहा है। हम बात करते हैं कि पवन सिंह से मुलाकात हुई आप लोगों की, इनसे मुलाकात हुई दादी, पवन सिंह मिला लवन भेंट कर किससे सब कुछ दे। अच्छा, जिसकी मौत हुई है उन लोगों की आप माँ है। कैसे आग लगी? अपने आप ही आग लगे, पता नहीं चला आग कैसे लगा। कोई से सूतर कितने लोगों की मौत हुई है? मौत कितने? 5 गो मर गई, लेगो मरती है। कौन कौन मरा है? मारा है हमको मटू ना हो, एगो किरण, एगो मानता, बेटा पतो, 2 बेटा पतो, 3 लड़का लड़की, आ एगो मता माई मम्मी सिरियत बाड़ी। क्या बोले पवन सिंह? तो पवन जी लोग गर्जीवन से आए को मिल जे किबे आर्थिक मदद के लिए कुछ बोले हैं? हां। क्या बोले हैं? गर्जीवन का मिल ना हो जे के आ गर्जीवन तो मिल लेगा। आई कहां उनका इलाज कहां चल रहा है? सासारा। कौन सा हॉस्पिटल? सदर अस्पताल। सदर अस्पताल में। कितने बजे की घटना है ये? कल 12 का। 12 जी। और कोई प्रत्याशी मिलने आए आप लोगों से? प्रत्याशी तो ढेर लोग आए, बीडीओ सीओ सब थाना पर भाग लोग आए थे। वो तो अधिकारी है ना, मैं प्रत्याशी की बात कर रही हूँ। प्रत्याशी के वो जिला परिषद आए थे जी। सांसद के रेस के कोई और नहीं आया था पवन सिंह के अलावा? ना, कोई अभी तो आए नहीं। पवन सिंह आए थे? पवन सिंह अभी आए हैं। अभी तो आप लोगों ने सुना संसदीय क्षेत्र का दौरा करने के दौरान काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पवन सिंह आए थे और इस गाँव में पहुँच कर जहाँ दलित की मरने की खबर मिली कि एक ही घर के 5 व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं जो कि सासाराम सदर अस्पताल में उनकी इलाज चल रही है, उनसे मिले हैं और मदद की मांग भी की है और मदद करने की भी बात की है। मदद क्या करते हैं तो देखने वाले